आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तत्काल कुछ कमेटियां गठित की हैं जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, एक क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार्यों को, आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी उनको दी है जिस पर वो कार्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है जहां पे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी इनके कार्य को और उसमें लगे हुए श्रमिकों को भी कुछ काम मिल सके। एक्सप्रेसवे है या फिर बड़े बड़े जो निर्माण के कार्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर वह कमेटी कार्य करेगी, इस पर वे कार्य करेंगे। कैसे वहाँ पे सप्लाई चेन भी बनती है इस पर एक